हेलो एवरीवन, दिस इज सीएमए अंशिका त्यागी एंड इस वीडियो में मैं फाउंडेशन के एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करूंगी। जो फाउंडेशन का जून वाला एग्ज़ाम सितंबर में गया था और अभी कुछ दिन पहले से, दो तीन दिन पहले से ये न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट हो रही थी कि आप लोगों का एग्ज़ाम, फाउंडेशन वाले जो हैं उन लोगों का एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है फ्रॉम होम। एंड जो कि नोटिफिकेशन अभी आ चुका है, वही नोटिफिकेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैम कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहना। पहले मैं यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन की जो कंडीशंस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड देन मैं खुद एक ऐसे स्टूडेंट हूँ जिसने 2015 में, जून 2015 में मैंने खुद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि कैसे होता है और क्या उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड आई एम थिंकिंग ऑल्सो कि मैं कल इवनिंग में या फिर जैसे भी है, मैं कल लाइव आऊँगी अपने यूट्यूब चैनल से, तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके कि मैं किस टाइम लाइव आ रही हूँ। तो बिना देरी के हम ना पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। एंड इंटर और फाइनल वाले स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि इंटर और फाइनल वालों के एग्ज़ाम मर्ज हो गए हैं दिसंबर 2020 में, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अलग से बनाई है। उसमें पूरा नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है, क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या मतलब कि बेनिफिट आगे फर्दर फॉरवर्ड किए गए हैं कि आपको एग्जामिशंस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो वो मैंने आपको पूरा दूसरी वीडियो, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने वही डिस्कस किया है। तो अभी मैं फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ के बता देती हूँ। सब्जेक्ट जो रखा गया नोटिफिकेशन का है वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अनाउंस ऑनलाइन बेस्ड फाउंडेशन एग्जामिनेशन जून 2020। तो आप लोग जिनका जून 2020 का एग्ज़ाम होने वाला था फाउंडेशन का, उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा। तो पढ़ते हैं हम इस नोटिफिकेशन को। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट फाउंडेशन एग्जामिनेशन ऑफ जून 2020 इन होम बेस्ड ऑनलाइन मोड ड्यू टू पैंडेमिक नोवल कोविड-19 टू एंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड इन पर्टिकुलर द कैंडिडेट और स्टूडेंट्स। All the candidate students are encouraged to appear in the foundation examination of June 2020 through online mode using mobile, laptop, desktop, tab from their home. मतलब कि घर बैठ के आप मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप किसी भी तरीके से आप अपने एग्जाम को दे सकते हो। नॉर्मली वो लोग क्या करेंगे, आपको एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाएगा मेल के थ्रू, आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पे शायद वो भेज देंगे। ये अभी क्लियर नहीं करा है कि मेल आईडी पे भेजेंगे या फिर कैसे, ऑल्दो मेल आईडी ही एक सबसे अच्छी कम्युनिकेशन लिंक होती है आपके और इंस्टीट्यूट के बीच में, तो आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मेल आईडी पर भेज दिए जाएंगे। काफ़ी रिलीफ भी दिया गया है, आगे पूरा नोटिफिकेशन हम पढ़ते हैं। फाउंडेशन एग्जाम जून 2020 होम बेस्ड होंगे, ऑनलाइन मोड, रिशेड्यूल्ड टाइम टेबल एंड डिटेल आर गिवन बिलो। रिशेड्यूल्ड टाइम टेबल जो है वो जैसे पप्पन सर ने बताया था 6 सितंबर को रखा जाएगा एग्जाम, तो वही है 6 सितंबर, दैट इज संडे को रखा जा रहा है एग्जाम। फाउंडेशन का जो शेड्यूल है, अब मैं आपको बता दूं, 6 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, दो सेशन में होगा, एक आफ्टरनून सेशन होगा, हाँ मतलब कि एक मॉर्निंग सेशन होगा और एक आफ्टरनून सेशन होगा। मॉर्निंग वाला सेशन जो है वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा और आफ्टरनून वाला जो है जो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का सेशन चलेगा, ठीक है। जो पहले वाला सेशन है मतलब कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का होगा, उस 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस, 50-50 क्वेश्चंस मिलेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट और सेकेंड पेपर का एग्जाम आपका मॉर्निंग सेशन में होगा, थर्ड और फोर्थ पेपर का जो आपका एग्जाम होगा वो आपका आफ्टरनून सेशन में होगा। तो पहले जो 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो क्वेश्चंस 100 होंगे, लेकिन आपका मार्क्स 200, मतलब 200 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। अब आपके पास पूरा टाइम है, दैट मीन्स 2 घंटे हैं, 160 मिनट्स हैं आपको, सॉरी 120 मिनट्स हैं, आई एम रियली सॉरी, 120 मिनट्स होंगे आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं होगी आपके ऊपर कि स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 1 घंटा रहेगा, आपके पास इन टोटल 120 मिनट्स हैं और क्वेश्चन आपके पास 100 होंगे, 2 घंटे के टाइम में आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट और सेकेंड पेपर मॉर्निंग सेशन में और जो थर्ड और फोर्थ पेपर होगा वो आपका आफ्टरनून सेशन में होगा। तो आपके टोटली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, आपको एमसीक्यू बेस्ड में मैं बता देती हूँ कि वही 4 ऑप्शन होंगे और आपके सामने क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल के पीछे जो एमसीक्यूज हैं उनकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से आपको मिल जाएंगे। तो
स्टडी मटेरियल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। स्टडी मटेरियल के हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, वो क्वेश्चन आप कर लो तो आप इजीली क्लियर कर पाओगे अपने एग्जाम को। आगे अगर हम इनकी कंडीशंस को पढ़ते हैं तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है द फाउंडेशन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन एमसीक्यू मोड थ्रू ऑनलाइन फ्रॉम होम, ये तो क्लियर है। सेकंड में लिखा हुआ है ईच पेपर विल कैरी 100 मार्क्स, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। तो मतलब कि 200 मार्क्स का पेपर होगा मॉर्निंग सेशन में, तो उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। डेफिनेटली हमें भी पता है कि हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब कि पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस आएंगे, पेपर 2 से 50 क्वेश्चंस आएंगे, पेपर 3 से 50 क्वेश्चंस आएंगे, पेपर 4 से 50 क्वेश्चंस आएंगे, और हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। थर्ड पॉइंट में उन्होंने लिखा हुआ है ईच सेशन विल बी टोटल ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है इन्होंने ऑल कैंडिडेट स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू अपीयर इन द फाउंडेशन एग्जाम थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप टैब फ्रॉम देयर होम, हाउएवर इट इफ एनी कैंडिडेट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाउएवर इफ एनी कैंडिडेट और स्टूडेंट फेल्स टू अपीयर इन होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम opt out fees adjustment will be done automatically for the next term of the examination and no separate request is required। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट बोलना चाहता है कि अगर आप ऑनलाइन मतलब कि आप नहीं अटेंड कर पाते हो एग्ज़ाम को, फाउंडेशन के स्टूडेंट हो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो अपने एग्ज़ाम को, तो आपकी जो फीस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी दिसंबर पेपर के लिए, दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए आपको अलग से फिर वापस से फीस पे करने की या फिर किसी को रिक्वेस्ट करने की कोई प्रॉब्लम कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपकी ऑटोमेटिकली आपकी फ़ीस आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और जो नहीं देना चाहते हैं उनको ये डरने की ज़रूरत नहीं कि हमें वापस से एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी पड़ेगी, आपकी वो ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। बट आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, पूरी प्रिपरेशन है, तो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम जो है मैंने खुद फेस किया है, बहुत इजी एग्ज़ाम होता है। तो मैंने जो फेस किया था वो इजी था, इट मे बी इस बार थोड़ा लेवल इस बार मुझे लग रहा है इजी रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम बच्चे इस चीज़ को फेस करने जा रहे हैं। काफ़ी चार पाँच साल बाद वापस से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया गया था, मेरा वाला अटैम्प्ट लास्ट अटैम्प्ट था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। और इसमें फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है कैंडिडेट स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द फाउंडेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर होम ओनली बाय लॉगिंग इन विद द टाइम स्पेंड गिवन, आपको टाइम जो दिया गया है उस टाइम पे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स और यूआरएल लिंक जो होगा आपको वो आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा नहीं है कि कहाँ पे दिया जाएगा, बट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सिक्स पॉइंट में लिखा हुआ है इट मे बी नोटेड दैट इफ एनी कैंडिडेट स्टूडेंट्स गेट डिसकनेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ any student or candidate gets disconnected while taking the examination they may log in again to finish the rest of the exam। अगर जैसे अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैम हमारे यहाँ पे नेट इशू बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि अगर आपका बाई चांस डिसकनेक्ट हो जाता है तो आपको लॉग इन करने की फैसिलिटी मिलेगी, लॉग इन होगा आप वापस से जहाँ पे थे वहीं से आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि टाइम स्पैन का क्या होगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, आप उसमें लॉग इन और लॉग आउट करते रहोगे तो थोड़ा इशू आएगा। तो यहाँ पे इसके लिए क्लैरिटी हम इंस्टीट्यूट से मांगेंगे, तो उसका जो भी कोई रिप्लाई आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स अभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाओ, मैं यूट्यूब पे हर संडे को 2 बजे लाइव आती हूँ, ताकि जब भी मैं लाइव आया करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी जितने भी क्वेरीज होती हैं आप मुझसे पूछ सको। ए कैंडिडेट सेवन्थ पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, अ कैंडिडेट स्टूडेंट हु इज कम्प्लीटिंग ऑल कंडीशंस फॉर अपियरिंग इन द एग्जाम एज पर रेगुलेशन विल ओनली बी अलाउड टू अपियर फॉर द एग्जाम। तो ये तो इन्होंने लिखा हुआ है कंडीशन की जो कैंडिडेट कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं उनको ही एग्जाम में अपियर होने दिया जाएगा। प्रोबेबल ड्यू ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स। तो 8th पॉइंट में लिखा हुआ है कि डेट जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो बता दिया जाएगा कि कब अनाउंस होगा। नॉर्मली मैं अपने केस में बता देती हूँ कि मेरा रिजल्ट जैसे आज मेरा एग्जाम है तो एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे मेरा रिजल्ट अनाउंस हो गया था। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पहले ऐसे ही होता था, सिर्फ 2 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता था, क्योंकि जो चेकिंग होती है वो कंप्यूटर, बात तो ये है कि हाथ के हाथ रिजल्ट निकल जाता है लेकिन उस दिन तो नहीं बताते हैं, ऑफिशियली नोटिफिकेशन के थ्रू पूरा प्रॉपर रिजल्ट निकाला जाता है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ईजी होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी जो कैंडिडेट्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को फेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, एक अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। अगर हम अच्छे अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं CFA की बात करती हूँ, CFA एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक
एग्ज़ाम है उसका पूरा जितने भी लेवल वन लेवल टू और लेवल थ्री के एग्ज़ाम होते हैं वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होते हैं. तो स्टूडेंट की कैलिब्रिटी को हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन से भी चेक कर सकते हैं. जब एक ग्लोबल लेवल का एग्ज़ाम अपना पूरा एग्ज़ाम का बेस जो है वो एमसीक्यू टाइप रख सकता है तो सीएमए इंस्टीट्यूट क्यों नहीं रख सकता. तो आई थिंक आप लोगों को इसमें इनिशिएट लेना चाहिए, आपको एग्ज़ाम देना चाहिए. बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. मुझे तो लगता है कि एग्ज़ाम ईजी होगा. मुझे मैं मेरे एक्सपीरियंस को पहले भी शेयर कर चुकी हूँ वीडियो के थ्रू कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है और मैंने कैसे फेस किया था. वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिटेल बताई हुई है. अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं लाइव आया करूँ आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली लाइव सेशन में आके पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होपफुली ये वीडियो काफ़ी इन डिटेल थी और काफ़ी हेल्पफुल थी, तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कर दो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.